भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। नमस्कार सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। टेरर फंडिंग के मामले की जांच कश्मीर के कई अन्य अलगाववादी नेताओं तक भी पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को पिछले महीने अरेस्ट किए गए अलगाववादी नेता शाहिद उल इस्लाम के पास से कश्मीर के 150 आतंकियों की लिस्ट मिली है। शाहिद मीरवाइज उमर फारूक का करीबी है। शाहिद ने पूछताछ में बताया है कि अलगाववादी नेताओं को सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुबई और लंदन से भी फंड मिलता है। जम्मू कश्मीर के अमरगढ़ सोपोर में सुरक्षा बलों और लश्कर आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को ऐसी जानकारी मिली थी कि आतंकी वहां किसी घर में घात लगाकर छिपे हुए हैं। उसके बाद रात से ही दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। वहीं आतंकियों से 3 AK-47 बरामद हुई है। इसमें AK का लेटेस्ट वर्जन AK-74 भी शामिल है। उत्तराखंड में बारिश और सैलाब में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पौड़ी गढ़वाल में 6 की जाने चली गई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल 293 मीटर से ऊपर 293.30 पहुंच गया है। साथ ही बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक उपचुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगमोहन रेड्डी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि यदि सड़क पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गोली भी मार दी जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नांदियाल में एक जनसभा में रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू के विकास कार्यों की आलोचना करते हुए ये बात कही। कश्मीर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को लेकर समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। अब जाकिर मूसा जो कि कश्मीर में अलकायदा का हेड है उसने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। ऑडियो जारी होने के बाद मूसा के समर्थकों ने इस क्लिप को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बने अपने सीक्रेट ग्रुप में भी शेयर किया। मोतिहारी में लोक समता पार्टी ने नगर भवन के प्रांगण में शिक्षा बचाओ सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत स्तर पर 10+2 स्कूल के निर्माण आवश्यक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने प्रदेश के उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया है जहां इस बार एक भी छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। बता दी कि ऐसे 300 से ज्यादा कॉलेज हैं जहां इस साल एक भी स्टूडेंट ने दाखिला नहीं लिया है। बिहार के फतुहा में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। छात्रा के बॉयफ्रेंड ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश भी की और उसे मरा समझकर पुनपुन नदी में फेंककर फरार हो गए। डोकलाम मामले को लेकर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने अपने सबसे घातक जंगी बेड़ा INS कलवरी को समुद्र में उतारने की तैयारी में जुट गया है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी बेड़े में शुमार है जो छुपकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। बिहार में सत्ता से दूर होने के बाद तेजस्वी यादव अब नीतीश के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। चंपारण से तेजस्वी नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरेंगे जिसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर पथराव का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी ने BJP और RSS पर जमकर हमला बोला है। खुद राहुल गांधी ने इसके लिए संघ BJP को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इन हमलों से वे डरने वाले नहीं हैं और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए भी अब आधार नंबर अनिवार्य होगा। CBSE ने UGC NET 2017 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी करते हुए आवेदन के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी जो ऑनलाइन होगी। वहीं इसकी परीक्षा 5 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ की कुर्सी चलाने के बाद शाहिद खाकन अब्बासी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। खाकन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके कैबिनेट में हिंदू दर्शन लाल को भी जगह मिली है। 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान को कोई हिंदू मंत्री बना है। शाहरुख खान को एक और नोटिस जारी हुआ है। ये उन्हें वाराणसी पुलिस ने थमाया है। दरअसल शाहरुख खान अनुष्का शर्मा और इम्तियाज अली अपनी हालिया फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए वाराणसी गए थे। बता दें कि शाहरुख और अनुष्का की सिक्योरिटी के लिए SP से लेकर सिपाही तक कुल 224 पुलिसकर्मी तैनात थे जिसका भुगतान खान को करना पड़ेगा।
छोटे पर्दे पर अंगूरी भाभी के नाम से पहचान बनाने वाली एक्टर शिल्पा शिंदे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शिल्पा शिंदे को इस सीजन का हिस्सा बनाने के लिए शो के निर्माताओं ने अप्रोच किया है। अभिनेत्री और राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रेखा लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद सदन में दिखाई दी। क्रीम रंग की साड़ी पहने रेखा शाम 4:10 पर सदन में दाखिल हुई तो सदस्यों की ये शिकायत दूर हुई कि वे सदन में कम उपस्थित रहती हैं। मेरे साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।